पीड़ित हो और दवा भी उस पर काम नहीं कर रही है, तो आप बाबा का जल उनके चरण से लगा के ले जाइएगा। जब वो उनको जल देने लगेगा, तो अगर आयुष्य है तो क्रमशः उनको दवाई असर करने लगेगी और वो स्वस्थ हो जाएंगे। नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग हैं बनारस में। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने से पहले भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग आए हैं भैरव मंदिर। यहाँ पे देखिए रास्ते में ना तरह तरह के फूल और सामग्री मिलती है, तेल चढ़ाने के लिए तेल भी मिलते हैं और प्रसाद चढ़ाने के लिए ऐसे शॉप्स भी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के प्रसादी भी मिलते हैं। यहाँ आने के लिए ना आपको ऑटो या रिक्शा इससे आना पड़ेगा, गली पर गली के बाहर रुक दिया जाएगा, वहाँ से आपको गली के अंदर चलते हुए आना। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपको गाइड कर देंगे। देखिए कोई भी शॉप में आप जाएंगे ना, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, काशी विश्वनाथ जी का फ़ोटो या काल भैरव जी का फ़ोटो दिखता ही दिखता है यहाँ पे। और ना गली गली में ना बहुत सारे मंदिर है, ये बहुत पुराना सिटी है ना, तो इस वजह से हर एक गली में ना 10-12 तो मंदिर ही मंदिर है। यहाँ पे एक मंदिर मैंने देखा जहाँ पे ना राम दरबार था और राम जी को अलग तरीके से इन्होंने पोशाक के पहनाया हुआ था। देखिए आप भी देखते हैं ना दर्शन करें, ये दर्शन करने के बाद ये देखिए एक गली है, ऐसे गली के में से निकल कर ना यहाँ पे लिखा है काल भैरव जी का मंदिर। यहाँ तक ही कैमरा अलाउड है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करने के बाद हमें मिला था, लेकिन हर एक को ये दर्शन कैमरा अलाउड नहीं है, ऐसे हमें अंदर जाना होता है। मंदिर के अंदर जाने के बाद एक अलग ही शांति महसूस होती है, बहुत ही रिलैक्स फील होता है। भैरव बाबा को काशी के कोतवाल बोला जाता है। कोतवाल का मतलब होता है कमांडो इन चीफ। जो भी यहाँ पे आता है वो भैरव बाबा से परमिशन लेकर ही काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, तभी यात्रा संपूर्ण फलदायी होती है। यहाँ पे बोला जाता है जिसको भी छोटे बच्चे या बड़े लोगों को कोई भी नज़र या नेगेटिविटी के लिए यहाँ पे आकर ना झाड़ा लगाया जाता है, और यहाँ से ना विभूति और काला धागा भी देते हैं, जो बाबा को पूजा किया हुआ काला धागा भी बांधते भी हैं हाथ में, और ऐसे देखिए ये झाड़ा लगा रहे, मंत्र उच्चारण करते हुए ना झाड़ा लगाते हैं। कोई भी आपको जैसे नज़र हो गया या कोई भी नेगेटिविटी फील करते हो तो यहाँ पे आने के बाद वो पूरा दूर होने का मान्यता है। देखिए अभी ना हम लोग ये लाइन में लोग लगे हैं, ऐसे लाइन में से अंदर आना होता है। यहाँ से देखिए भैरव बाबा का दर्शन करें। जय भैरवनाथ, जय श्री काल भैरव। इस पानी में अमृत है, अमृत के अंश है। अपने में अगर पचाए ना कहीं तो दवा की उम्मीद क्या बहुत दिन तक पीड़ित हो और दवा भी उस पर काम नहीं कर रही है, तो आप बाबा का जल उनके चरण से लगा के ले जाइएगा। जब वो उनको जल देने लगेगा, तो अगर आयुष्य है तो कैसे